नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जो हमारा घर है उसका टूर शेयर करने वाली हूँ। और पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, तो ये घर हमने खरीदा था, ये 11 साल हो गए, तो उस समय मेरी एज बहुत ज़्यादा कम थी तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। 25-26 साल की थी मैं जब हमने ये खरीदा था। और घर हमने मतलब बना बनाया नहीं खरीदा था, हमने प्लॉट खरीदा था। ये इंडिविजुअल हाउस है तो हमने प्लॉट खरीदा था, दो छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और उनके ऊपर लिंटर नहीं डला था, पत्थर की वो छत जैसी थी, तो उसको फिर हमने तुड़वा के फिर ग्राउंड फ्लोर बनाया। और ग्राउंड फ्लोर ही इसलिए बनाया उस समय क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम नहीं होता था, मेरे पापा और मेरा भाई वगैरह कभी कभी आके देखते थे और बाकी हमने बाहर के लोग जो भी करते थे वही करते थे, जो मिस्त्री वगैरह होते थे, तो जो दरवाजे या जो भी घर का सामान खरीदना है सारा वही लोग परचेस करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा। तो इसलिए मैंने किचन भी चेंज करवाए थे, किचन का सामान वगैरह भी। तो एक फ्लोर ही पहले हमने बनाया था, फिर उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ी 2012 में, उसके बाद मैंने अपना घर पे काम शुरू किया। उसका दो या तीन ब्रांड थे मेरे पास, बड़े बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड थे, उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी मेरे पास यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा सामान रखना होता था, वो सामान के लिए जगह चाहिए होती। तो पहले तो हमने एक छोटे से कमरे में शुरू किया लेकिन मतलब जगह हो नहीं पा रही थी। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम बाहर कहीं किराए पे ले लेते हैं, लेकिन मुझे बाहर मतलब घर से बाहर जाके फिर से काम नहीं करना था। मुझे लगता था बस कोई भी काम करूं घर में रह के करूं, ऐसा काम हो। तो हमने ऊपर के दो फ्लोर इसलिए बनाए थे कि स्टोरेज के हिसाब से, इसलिए बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में बने हुए हैं, उसमें टाइल्स वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं लगाया है। तो हमने ऐसे ही बना लिया और उसमें सामान वगैरह स्टोरेज के लिए वो करते थे। और अभी जैसे कि फैब में मैंने सोचा था, जब नीचे वाले फ्लोर का टाइल वगैरह सब चेंज कराया था, तो मैंने सोचा कि ऊपर भी टाइल वगैरह लगवा लेंगे, क्योंकि ऊपर तो हमने ऐसे ही बना के छोड़ दिया था। तो उससे पहले ही फरवरी में यहाँ इतने ज़्यादा दंगे फसाद हो गए जिसकी वजह से हम नहीं बना पाए, जो काम जैसा था उसको वहीं छोड़ दिया। तो ऊपर के फ्लोर का जो पेंट था वो भी हमें चेंज करवाना था, तो वो भी एज इट इज़ छोड़ दिया। और उसके बाद से तो फिर नया ही ड्रामा शुरू हो गया है, तो खैर वो मौका नहीं मिला। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये रूम जो है, ये रूम मत, ये कमल जी हैं, कह रहे हैं कि हमको मत दिखाओ। तो ठीक है, ये खाली हो चुका है पूरा रूम, यहाँ दीवार थोड़ी टूट रखी है। और ये यश जी हैं, तो अभी ये अलमारी में और यश लेके जाएंगे और तब तक बेड का देखते हैं। और बस और बहुत कर रही हूँ, अभी मैंने खाना चढ़ा रखा है और नहा धो चुकी हूँ मैं, बस अभी ये खाली कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और ये रूम ये रहा, और इसको बेड को मैंने उस कोने में लगा लिया था, ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, पहले बेड इधर की तरफ था लेकिन अब उधर की तरफ कर दिया और ये अलमारी इधर कर दी है और मैं आपको दिख रही हूँ इसमें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें मैं पुरानी क्लिप्स भी ऐड करूँगी, जब ये छोटा कमरा था यहाँ पे, और जो घर का फर्श था ये इस टाइप के चिप्स वाला फर्श था, तो ये छोटे कमरे की वॉल मैंने बीच से हटवा ली है। तो पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि वॉल ये बीच से हटाएं या हाफ पे छोड़ दें, तो फिर किसी ने सजेस्ट किया हाफ पे क्यों छोड़ोगे, ऐसे गिरता हुआ सा लगेगा, तो उसको पूरा रिमूव करवा लिया। तो वही मैंने सोचा कि ये सारी क्लिप्स मैंने काफ़ी टाइम पहले से बना के रखी थी, तो मैंने कहा कि ये भी इसमें इंक्लूड कर देती हूँ कि जिन लोगों ने नहीं देखा हो। तो पहले ये इस तरीके का एक छोटा कमरा था और ये बेड वगैरह इन लोगों ने जो तोड़ने वाले मिस्त्री वगैरह थे उन्होंने कहा कि इसको यहीं पर रहने दो। और खैर इस टाइप का काम करवाने से दुर्गति हो जाती है फर्नीचर की। और ये जो दरवाज़ा है और ये है, और साथ में बिजली वाले का काम हो रहा है क्योंकि इस दीवार पे पूरा वायरिंग हो रखी है, तो इसलिए वो बिजली के सारे इधर का जो तार वार का कनेक्शन है वो हटा रहे हैं। और मैं तो जैसे तैसे खाना बना के फिर ऊपर ही लेके चली जाती हूँ और ऊपर ही हम लोग रह रहे हैं अभी, तो ये बेनिफिट है कि ऊपर बना हुआ है तो थोड़ी दिक्कत नहीं। और लाइट इधर की बंद कर रखी है वो उस वॉल के चक्कर में, तो किचन में जैसे ही खाना बनेगा तो फिर मैं ऊपर जाके फिर उसे रखाऊँगी, तो ये दिक्कत नहीं है। ऊपर का बाथरूम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सारा कुछ ऊपर ही यूज़ हो रहा है अभी। और ये दरवाज़ा और ये खिड़की जो है इस रूम की जो थी वो हमने बेच दी। कमल जी कह रहे थे ऊपर एक और फ्लोर बना लेते हैं, मैंने कहा रहने वाला कोई है नहीं तो कितना बनाएंगे। और हो सकता है बहुत लोगों को ये बोरिंग लगे ये, लेकिन मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया क्योंकि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि हाँ वो उस समय की वीडियो मतलब क्लिप्स वगैरह डाल देना अगर है तो। और यश को मैंने कहा कि वहाँ जाके देखो। और ये बेड अभी जहाँ पर पड़ा है तो वहाँ पर अभी मैंने सोफ़ा रख रखा है, तो जिन लोगों को जो लोग पहले से देख रहे हैं चैनल तो उनको पता ही होगा।
और ये इधर ऑलमोस्ट टूट चुका है, लेकिन ये मुझे लगता है कि अगर घर में सामान हो तो फिर इस टाइप का काम नहीं करवाना चाहिए, सामान बाहर रख देना चाहिए, क्योंकि बेड हमने बाहर रख दिया सड़क पे, मतलब गली में रख दिया, तो सारे पूछने लगे बहुत सारे लोग आके कि इसे बेचना है। सबको जवाब देते देते कि नहीं इसे बेचना नहीं है, यहाँ काम करवा रहे हैं इसलिए रखा है। और इधर वॉश बेसिन वगैरह के पास का भी सारा तुड़वा लिया है, तो ऑलमोस्ट ये हो चुका है। और जो टाइल मैंने ली है तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये मैंने उसको क्या बोलते हैं डबल लेयर्ड या कौन सी टाइल होती है, ये वाली ली है फोंटेना वाइट, तो मैं आपको दिखाती हूँ बनने के बाद। तो बनने के बाद ये मेरे पास पुराना शू रैक था जिसको मैंने खुद से ही पेंट वेंट करके जो पेंट बचा था वो मैंने कर कर के तैयार कर लिया। और उस समय एक्चुअली 23 फरवरी को ये काम बंद हुआ, क्योंकि उसी समय दिल्ली की हालत ख़राब हो गई थी, तो सब कुछ यहाँ पे बंद हो गया, यहाँ से ना कुछ सामान हम खरीदने जा सकते, ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे, सब कुछ बंद। तो जो था जैसा था वैसे ही करना शुरू कर दिया। और जो कुछ टाइल्स और हमने सीमेंट और ये सब चीज़ें रखी थी, पेंट भी बहुत सारे रखे थे एक्स्ट्रा, ऊपर वाले फ्लोर के लिए ज़्यादा मंगवाए थे, तो वो सब सारे भी वेस्ट हो गए, क्योंकि अब इतने टाइम तक तो पेंट ख़राब ही हो जाता है। और ये बाथरूम है, बाथरूम के फ्लोर की टाइल हमने चेंज कराई है, बाकी वॉल वगैरह की टाइल वही की वही है। फ्लोर पे स्काई ब्लू कलर की टाइल थी तो वो मैंने चेंज करा ली, क्योंकि लाइट कलर से थोड़ा सा स्पेशियस लगता है। और इधर जो इस एरिया पे है, जो आप लोग मुझसे कई बार पूछ रहे थे ये क्या है, वॉलपेपर है, वॉलपेपर नहीं है ये टाइल है, तो ये ऐसे है। और बाथरूम में भी मैंने स्टील की रैक को खुद से पेंट करके इस पे जो भी सामान है वो रखा हुआ है। और पहले 2-3 रैक थी बाथरूम में स्टील की, तो मैंने सब हटा दिया और एक ये लगाया है। तो इधर शू रैक है, ये शू रैक भी मेरा पुराने वाला शू रैक है, जिसको मैंने जब काम हो गया तो मैंने पेंटर को बोला कि इसको पेंट कर दो, और इसके ऊपर पानी की बॉटल्स हैं और ये सब है। खैर ये मैंने रिकॉर्ड पहले का किया था। और ये कारपेट वगैरह उस समय बिछाया था, लेकिन अब मैंने जब से मेरी मेड अभी आ नहीं रही है, आ क्या नहीं रही अभी, तो खैर बहुत लोगों के घर में नहीं आ रही होगी, तो मैंने जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सब हटा दी। और वॉल पे उस समय कोई डेकोरेशन नहीं थी, तो बाद में भी मैंने इसको एज इट इज़ रखा। और इधर जो ये प्लांटर रखा है बाद में चेंज कर दिया, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो मिरर है, आप लोग मुझसे कई बार पूछ चुके हैं इस मिरर का, तो ये मिरर कस्टमाइज है, ये मैंने खुद जाके उसको बताया था ऐसे ऐसे बनाना है, उसको भी समझ नहीं आया इतना लंबा किस लिए चाहिए, मैंने कहा बस बना के दे दो। ये पिलर है इधर, तो उसका क्या बोलते हैं उसका इफ़ेक्ट कम करने के लिए इधर मिरर लगाया है मैंने। एनीवेज इधर लेफ्ट साइड पे बेडरूम है, और ये जो आपको हॉल दिख रहा है जहाँ सोफ़ा दिख रहा है, अभी जो टूट रहा था तो वहाँ बेड रखा हुआ था, तो वहीं पे वो छोटा वाला टेबल है और ये सोफ़ा है। अब चेंज किया है मैंने, ये अभी का है, तो इसमें ये प्लांटर लगा दिया है, प्लांटर का कलर चेंज कर दिया है और प्लांट चेंज कर दिया है, बाकी एज इट इज़ है। कारपेट हटा दिया है, और ऊपर जो ये स्टोरेज के लिए बना था ये एज इट इज़ है, इसको हमने नहीं हटाया, क्योंकि इसका हमें वैसे यूज़ तो होता नहीं है, लेकिन इसको हटाने से कोई फ़ायदा नहीं था। और सोफ़े की तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। और कहीं पे भी वॉल पे कोई डेकोरेशन कुछ भी नहीं है, उस समय जैसा था, फिर मैंने कहा कि यही ज़्यादा मुझे सही लग रहा है कि दीवार अगर पोछनी हो तो ऊपर से नीचे तक वाइपर में माइक्रोफाइबर रैप करके या लपेट के आराम से पोछ सकते हैं। और इधर मैं आपको बेडरूम दिखा देती हूँ, ये बेडरूम है जहाँ पहले सोफ़े रखे हुए थे। अगर आप लोगों को नहीं ध्यान है तो आप मेरा पुराना व्लॉग देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इस रूम में एक्चुअली मैंने लाइट वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया अभी वीडियो बनाने के लिए, जो जिस रूम की लाइट थी वही है। और ये बेड के नीचे यश के डंबल है, मेरी मशीन है, और ये एक डायरी है पहले की पड़ी हुई है, लेकिन इसमें मैं अपना यूट्यूब की वीडियो वगैरह के लिए स्क्रिप्ट वगैरह लिखती हूँ। और इधर एक सेटी है, ये सेटी अननेसेसरी नहीं है यहाँ पर, उसमें बेड शीट्स वगैरह हैं। और ये ड्रॉर है जिसमें मेरा कुछ अपना सामान रहता है, और ये ट्राईपोड की पेटी ट्राईपोड का बास्केट है, इसमें मेरे जो भी ट्राईपोड वगैरह हैं वो सब रखे हुए हैं। छोटे छोटे ट्राईपोड हैं, 2-3 या 4 छोटे हैं, बाकी 2 बड़े हैं। और इधर मेरी कबर्ड है, कर्टन, आप लोग बोलते हैं कर्टन क्यों लगाया, और मेरी कबर्ड अभी बिखरी हुई है, टाइम नहीं मिला, लेकिन अब मेरी कबर्ड बिखरती भी है तो इतनी बिखरती है क्योंकि वो बास्केट के अंदर ही रहती है। तो ये बास्केट वाला सिस्टम अभी तक का मुझे सबसे बेस्ट सिस्टम लगा है,
तो इसमें बिखरने का क्या चांस होगा कि जो कपड़े जहाँ रहने हैं उसी बास्केट में जाएंगे। और इधर यश की कबर्ड है, तो ये पूरा उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन मैंने उसको बोला ये दिखा दूँ तो उसने कहा नहीं नहीं। तो वही उसी के हाथ में कैमरा था, तो अगर आपको देखना है तो उसकी वीडियो की लिंक मैं दे दूँगी, एक मैंने वीडियो बनाया था उसके कबर्ड का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इधर जो ड्रॉर है उसमें यश का कुछ सामान है, और उसके सबसे ऊपर वाले में कैमरे का बॉक्स है, कैमरा और उसका जो माइक वाइक ये सब। और ऊपर मैंने हेलमेट और स्टोरेज बास्केट वगैरह रखा है, लॉन्ड्री बास्केट में मैंने उसमें जो शॉपिंग बैग्स होते हैं वो रखे थे। तो ये है रूम का ओवरऑल लुक। और यहाँ जो कारपेट मैंने बिछाया है बस यही बिछाया है क्योंकि ये मुझे थोड़ा ज़रूरी लगता है। और इधर से अब मैं आपको किचन में ले चलती हूँ। किचन भी वैसा ही है, किचन में कुछ नहीं करवाया, किचन जैसा पहले था वैसा ही है। मतलब किचन में पहले ही मैंने टाइल और ये क्या बोलते हैं कैबिनेट के कलर वगैरह चेंज कराए थे। पहले ये क्रीम कलर नहीं लाइट ब्राउन कलर के थे और टाइल क्रीम कलर की थी, तो वो मुझे उतनी पसंद नहीं थी। वो जो कारपेंटर था वो खुद की पसंद से लेके आया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था तो इसलिए मैंने चेंज करवाया था। और किचन ज़्यादा स्पेशियस नहीं है लेकिन मेरे लिए ठीक है। और किचन में आप लोग बोलते हैं खिड़की नहीं है, तो खिड़की ये खिड़की है, इधर दो खिड़कियां हैं, एक एग्जॉस्ट का ऊपर है वो मैं दिखा दूंगी, एक खिड़की इधर है। और ऊपर आप राइट साइड में कोने में आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा जाली जैसी लगी है, उधर अंदर एग्जॉस्ट है। तो बस ये किचन है मेरा, किचन का कंप्लीट व्यू। अब मैं आपको ऊपर वाले फ्लोर पे ले चलती हूँ। और ये सीढ़ियों से हम जब जाते हैं तो एंट्रेंस है, एंट्रीवे है, और इस फ्लोर पे लाइट थोड़ी कम है, ऊपर ओम का वो है। और ये जो आपको दिख रहा है इधर से, ये मेरा ऑफिस हुआ करता था जो यश ने अब हथिया लिया है, तो खैर कोई बात नहीं। और इस फ्लोर का हमने सोचा था, इसका भी वो करेंगे सारा कुछ, कलर वगैरह चेंज करेंगे, टाइल चेंज लगाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। और इस पे भी मैंने जो जैसा था वैसा ही है, जैसे रस्सी है कपड़े टांगने वाली वो भी मैंने छोड़ दी है, क्योंकि हमेशा वैसे ही रहती है क्योंकि मैं वहाँ रखती हूँ। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और यहाँ पे भी अगेन एक सेट ही है, उसमें कमल जी के कुछ कागज़ वगैरह उनका सामान होता है। और ये है ऑफिस, और यहाँ दीवार में थोड़ी सी क्रैक आ रही है क्योंकि यहाँ खूब भूकंप आता है। और ये यश अपना स्टडी रूम की तरह यूज़ करता है। और यहाँ ऑफ वाइट कलर का कर्टन है, और ये टेबल है, ये कमल जी ने बहुत शौक से बनाया था, ये हमारे ऑफिस का टेबल था, मतलब ये हमारा ऑफिस था जब हम काम करते थे। और ये यहाँ पे अब यश रहता है, तो सरस्वती जी की फ़ोटो है और लक्ष्मी जी की। इधर बहुत बड़ी सी विंडो है, जो कि इधर साउथ की वजह से मैं खोलती नहीं हूँ विंडो, लेकिन हाँ फिर भी रोशनी आती है। और ये मेरा सिल्वर प्ले बटन, ये यहीं टंगा हुआ है। और यहाँ पे पंखा, और ये तो सीलिंग पे वो लाइट, वो ये बिजली वाले की पसंद का ही था ये, जो पहले लगवाया था। और यहाँ ऑब्वियसली यश अब रहता है, तो यश की चीज़ें हैं, पहले इसमें मेरी चीज़ें हुआ करती थी। एनीवेज, और ये रूम जो है ये हमारा पूजा रूम है, और इसमें कुछ हमने स्टोरेज वगैरह का भी रखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको दिखाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझती हूँ, थोड़ा सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं, इस वजह से मैंने आपको घर का बाहर का और भी बहुत तरह की चीज़ें नहीं दिखाई, जैसे किधर से घुसना है, क्या करना है। एनीवेज, और ये हमारी अलमारी है, ये लोहे की, मैंने पेंट किया था यश के साथ मिलके, लेकिन ये बहुत वियर्ड लगती है, लेकिन पुरानी है। और ये जो ये क्या बोलते हैं, इसे बुक शेल्फ आपको दिख रही है वाइट कलर की, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये ड्रॉर खाली है, ये एक्स्ट्रा पड़ा था तो मैंने इधर रख दिया। और ये जो है ये प्लाई का पीस है, एक्चुअली टेबल का हिस्सा है, पहले कोई टेबल मैंने लिया था DIY बनाने के लिए, तो इसको मैं बेड के ऊपर रख के फिर बेडशीट बिछा के आयरन करती हूँ। ये अलमारी तो सही में कैमरे में बहुत गंदी लग रही है, जितनी है उससे भी ज़्यादा गंदी। ये ऐसी है, इसका पेंट पता नहीं कहीं कहीं से उतर रहा है, तो इसलिए ऐसी है। अंदर जो बुक शेल्फ थी उस पर भी मैंने कारनामा किया था, ये वाइट वाला बुक शेल्फ जो अंदर है उसमें मेरी बुक्स हैं, ये यश ने मुझे दे दिया। और इधर से देखने पे ये आप देख सकते हैं, ऊपर भी एक वेंटिलेशन के लिए है सीढ़ियों के बीच में। और ये केबल की तार, टीवी का कनेक्शन हमारे तीनों फ्लोर पे है, ये अलग बात है, टीवी हटा दिया। और यहाँ कर्टन्स लगे हुए थे पहले, तो जब रानी अभी नहीं आ रही है तो उसकी वजह से मैंने कर्टन्स हटा दिए सारे, कि जितनी कम चीज़ें हैं तो उतना कम मेंटेनेंस करना पड़ता है।
और इधर कमल जी दिख रहे हैं शीशे में, कहाँ से आके खड़े हुए पता भी नहीं चला। और इधर बालकनी का गेट है और ये वॉशिंग मशीन है मेरी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। और ये ऊपर का जिस पे हम लोग शीट लगा देते थे सर्दियों के मौसम में। और इधर ये गेट है, गेट वेट लोहे का है पूरा मजबूत सा, मतलब ये बंद कर लिया तो ये फ्लोर का गेट। और उसके बाद बालकनी, और ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है। और इधर साइड में एक बाथरूम है, छोटा सा बाथरूम है इंडियन स्टाइल का। और ऐसे ही हमारा सेकंड फ्लोर पे भी है और छत पे भी है। और इधर भी मैंने रस्सी टांग रखी है। और ये विंडो आप देख सकते हैं, यश का जो स्टडी रूम है उसके विंडो है। और रस्सी मैं हर फ्लोर पे टांग के रखती हूँ। ये इंडियन स्टाइल बाथरूम है, ये लाइट धूप की वजह से इतना ज़्यादा वो हो रहा है। और उसके बाद अब ऊपर लेके चलती हूँ मैं आपको तीसरी मंजिल पे। ये मैं पहुंच चुकी हूँ सेकंड फ्लोर या तीसरी मंजिल पे। तो ये बालकनी का गेट है, एग्जैक्टली सेम बना हुआ है, तीनों फ्लोर सेम बना हुआ था। तो नीचे तो अब तोड़ताड़ कर दिया हमने। और ये किचन की खिड़की है, इसमें किचन की खिड़की अच्छी लगाई है, नीचे खराब पुरानी वाली लगाई थी। और ये वॉश मशीन यहाँ छोटा है। तो ये तो एक्चुअली हमने स्टोरेज के हिसाब से बनाया था, तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हमने लगाई थी। और लाइट इस रूम यहाँ पे सिर्फ एक ही बल्ब है जिसकी वजह से रोशनी ज़्यादा नहीं आ रही है। और ये कमल जी ने अपना सामान रख रखा है। और इधर बड़े वाले कमरे में भी कमल जी ने अपना सामान रख रखा है। तो ये कमल जी ने वो कर रखा है, कब्जा कर रखा है। और उसके पीछे आप टीवी देख रहे होंगे, वो हमारा टीवी रखा है पीछे, तो हमने उतार के रख रखा है उसे। अब तो ख़राब भी हो गया होगा, इतने दिन हो गए, तो उसे बेच देंगे हम। और ये रूम है, यहाँ पे एक बड़ा वाला मैट्रेस है, 6.5x6.5 वाला मैट्रेस के नीचे मैंने वो बिछा रखा है, वो प्लास्टिक की शीट बिछा रखी है उसके नीचे। और क्या बोलते हैं उसे, वॉलपेपर को मैंने नीचे बिछा रखा है जिससे कि गंदा ना हो। और इधर एक रूम है जैसे नीचे था वैसे ही। और ये रूम है, इस रूम में अभी लाइट शायद है कि नहीं पता नहीं, अभी नहीं जल रही है। और उसमें भी कमल जी ने पूरा सामान भर रखा है। और ये किचन है, किचन में भी कमल जी का सामान भरा हुआ है और कुछ मेरा DIY का सामान है। और इधर से बाहर को बालकनी की तरफ जाते हैं। और इधर भी राइट साइड पे बाथरूम है। ये हमने कुछ टाइम के लिए मतलब 1-2 साल के लिए ये रेंट पे दे रखा था। और जब मैं छत पे आई तो मैं भूल गई कि मैं छत का वो वीडियो दिखाने आई हूँ या बनाने आई हूँ। और मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया और मैं फ़ोन पे बात करने लगी, वीडियो कॉल आ गया। और यश के हाथ में कैमरा था तो वो अपना पता नहीं क्या क्या करे जा रहे। जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मुझे ध्यान आया कि हाँ, मैं तो छत की वीडियो बनाने गई थी। तो छत तो आप लोगों ने देखी ही होगी अगर जो पहले से वीडियो देख रहे हैं या व्लॉग देख रहे हैं। तो ये हमारी छत है। और ये चारों तरफ। और इवन कि जब मैं नीचे भी आई तब भी मुझे पता नहीं चला कि मैं किस लिए आई थी छत पे। बातों में इतनी ज़्यादा वो हो गई। इधर छत पे भी बाथरूम है जिसको कमल जी ताला मार के रखते हैं। बहुत सारे लोगों को ये घर बहुत सिंपल और बेसिक लगेगा, तो ऑब्वियसली सिंपल तो है ही और बेसिक भी है, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती घर है क्योंकि इसको हमने 3 का 3 का जोड़ के बनाया है। और ये मेरा पहला मतलब खुद से ख़रीदा हुआ हमारा पहला घर है, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल या कीमती कह सकते हैं। तो खैर बहुत सारी बातें हो गई। और कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एग्जैक्टली मैंने ये नहीं दिखाया कि कहाँ से एंट्रेंस है, कहाँ से क्या है। तो खैर आई होप आप समझते होंगे अगर आप भी इंडिविजुअल हाउस में रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में या नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।